हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लीब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है लीब्रा कैल्क की छोटी सी चीज, आइए देखते हैं क्या। यहां पर देख सकते हैं ये प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन ये प्राइस जनरल फॉर्मेट है। इसको अगर करेंसी बनाना है तो आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्फा न्यूमेरिक की 4। जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहां पर रुपीज का जो फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। चलिए इस पे बॉर्डर भी लगा लेते हैं। यहां से चल करके आप बॉर्डर लगाने के लिए कहां जाएंगे, ये देखिए यहां से आप बॉर्डर लगा सकते हैं इजीली। तो ये बॉर्डर भी अप्लाई हो गया। यहां पर कलर अप्लाई करना है तो यहां से कलर भी अप्लाई कर लेते हैं। अब हमारा सवाल ये है कि यहां आपको एक रो, ये जो रो सेलेक्टेड है इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो डेल बटन प्रेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इस रो को हटाना है तो आप कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस कीजिए और माइनस बटन जो होता है अल्फा न्यूमेरिक की के पास, वहां पर माइनस बटन प्रेस कर दीजिए, यानी कंट्रोल और माइनस की जैसे ही प्रेस करते हैं तो वो गायब। कंट्रोल जेड करता हूं, यही वाला था मनीष तिवारी, अगर कंट्रोल माइनस प्रेस करते हैं तो वो गायब हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल जेड प्रेस कर देंगे तो एक स्टेप पीछे हो जाएगा, वो तो आ ही जाएगा। तो ये शॉर्टकट की थी जिसके चलते जो है आप किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आसानी के साथ कर सकते हैं। क्या ये कॉलम पे भी अप्लाई होता है, दूसरा सवाल ये है। तो अगर मैं यहां पर रह करके कंट्रोल माइनस करता हूं तो ये कॉलम पे भी अप्लाई हो जाता है। कंट्रोल जेड करता हूं, ये नेम ऑफ कस्टमर हमने डिलीट किया था। चलिए इस बार प्राइस को डिलीट करते हैं, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल माइनस करते हैं, ये देखिए प्राइस वाला कॉलम भी डिलीट हो गया। तो ये बड़ा आसान तरीका है, आसानी से आप डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।